स्वागत है आपके मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो यहाँ पर दो बड़ी भर्तियों की अपडेट हम आपको देंगे जिनका अधियाचन पहुँच गया है दोनों आयोगों के पास। पहला है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में, जहाँ पर LT शिक्षक की नई भर्ती का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुँच गया है। दूसरा है लोक सेवा आयोग से, जहाँ पर जो है लेक्चरर की भर्ती का जो है अधियाचन भी पहुंच गया है। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से एक बड़ी खबर आई है कि उत्तराखंड में 9016 पदों को भरा जाएगा, जिनमें शिक्षा विभाग के अलग अलग पद हैं, बेसिक शिक्षक के पद हैं, आउटसोर्सिंग के पद हैं, BRC CRC से पद हैं, रिसोर्स पर्सनल के हैं, उसके अलावा ग्रुप डी की भर्तियां हैं शिक्षा विभाग में। और उसके साथ ही साथ बड़ी खबर जो है वो ये है कि माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक LT के 1544 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आपने ध्यान से सुना होगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास LT सहायक के नए पदों की विज्ञप्ति का जो है अधियाचन भेजा जा चुका है 1544 पदों का। जी हाँ, उसके अलावा साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के पास 613 पदों के लिए जो है लोक सेवा आयोग के पास भी जो है प्रस्ताव भेजा गया है, वो है प्रवक्ता का, जिसको लेकर राजकीय माध्यमिक जो विद्यालय है उनमें चतुर्थ श्रेणी के तो आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इन दो पदों के बारे में, जो कि LT सहायक की है और दूसरा है आपका लेक्चरर का। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 1900 से अधिक पदों के लिए शिक्षक भर्तियां उत्तराखंड में आ रही हैं। तो बहुत ही बम्पर भर्तियां इसमें लगातार उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे जो है भारत में आ रही हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आचार संहिता खत्म हुई, बैक टू बैक तमाम भर्तियाँ पाइपलाइन में थी और वो बैक टू बैक एक एक करके आ रही हैं। तो इंतज़ार रहेगा इन नई भर्तियों का। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।